बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस की इम्पॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर काफ़ी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये केसेस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में तो कोई एक आध केस पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी इनसे अक्सर बनते रहते हैं। लेकिन बच्चों, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का कोई भी केस आपसे सॉल्व करवाना हो तो उसकी केस कंडीशन ज़रूर दी जाएगी। आप अपनी बुक में पेज नंबर 61-62 पे देखेंगे तो जब कोई भी केस आप लोगों को दिया जा रहा है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का, तो उसकी ब्लू कलर में कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, वो केस कंडीशन हैं। उन केस कंडीशंस के बगैर बच्चों हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। बहरहाल सारे केसेस में हमने करना तो ये है कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1 डैश, आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 डैश फाइंड आउट करनी है। तो अब हम केस कंडीशन पढ़ते जाएंगे और केस कंडीशन को अप्लाई करते जाएंगे आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और इन्हीं केस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट केस की तरफ आते हैं। फर्स्ट केस की हेडिंग कंडीशंस ये हैं, m1 = m2 = m, यानी m1 = m2 उन्होंने लिखा है ना। अगर m1 m2 के इक्वल है तो इसका मतलब m1 m2 के इक्वल है तो सिर्फ m कह सकते हैं। जब दोनों इक्वल हैं, मासेस दोनों इक्वल हैं, दोनों मासेस इक्वल होने की वजह से m1 = m2 = सिर्फ m लिख लेंगे। यानी अब सिचुएशन ये है कि दोनों बॉल्स जो आपस में टकराने वाली हैं, दोनों के मासेस इक्वल हैं, दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो देखते हैं आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1 डैश और सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 डैश के साथ क्या होता है। हमें सिर्फ ये करना है कि m1 m2 नहीं लिखना, उनकी जगह सिर्फ m लिखना है क्योंकि मासेज इक्वल हैं। अब आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आपको पढ़ाई जा चुकी है, v1 = m1 - m2/m1+m2 × v1 है +2m2v2/m1+m2। ये फार्मूले आपको ड्राइव करना भी सिखाए हुए हैं। अब तो सिर्फ हमें केस सॉल्व करना है कि दोनों मासेज इक्वल करके देखना है कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या आती है। ये v1 - जो है ना, ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। सिर्फ इतना काम करना है कि m1 m2 नहीं लिखना है, उसकी जगह m लिखते जाओ क्योंकि मासेज इक्वल जो हैं, तो m - m/m + m × v1 2m v2 m1 m + m, m1 m2 नहीं लिखेंगे, 2m v2 m+m। अब m - m तो जीरो होगा ना, जीरो और समथिंग भी जीरो है, मल्टीप्लाई बाय v1 भी जीरो। जब ऊपर वाला ही फैक्टर जीरो हो गया, ये तो सारा ही जीरो हो जाएगा, 2m v2 m + m 2m हो जाएगा। तो देखिए 2m v2 m + m 2m से 2m कैंसिल होगा तो v1 - v2 के इक्वल हो गए, यानी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी सेकंड बॉल की वेलोसिटी की इक्वल होगी बिफोर कोलिजन। ये जो बगैर डैश वाली है ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी होती है, यानी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी इक्वल होगी सेकंड बॉल की वेलोसिटी के लेकिन बिफोर कोलिजन के। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन अभी आपको कर दूंगा एग्जाम्पल की मदद से, लेकिन पहले v2 डैश भी ज़रा फाइंड आउट कर लें। 2m v1/m1+m2 + 2m2 - m1/m2 × v2, ये v2 डैश यानी आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी है। इसमें भी आपको करना तो सिर्फ इतना ही है कि मासेस m1 m2 नहीं लिखनी, सिर्फ m लिखते जाएं, तो 2m v1 m+m हो जाएगा, m - m m + m m - m m + m × v2। m - m जीरो होगा, जीरो और समथिंग भी जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई v2 जीरो। जब ऊपर वाला फैक्टर जीरो है, यहाँ भी ये सारा जीरो होगा, 2m v1/m+m 2m हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल होगा तो v2 - v1 की इक्वल होगा। यानी आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी इक्वल है फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन की। अब मैं इसको एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं ना, यूं समझें कि फर्स्ट बॉल जिसकी मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो 12 m/s, सेकंड बॉल की वेलोसिटी हो 10 m/s, इस पहले की 12 m/s, दूसरी की 10 m/s। पहले की ज़्यादा इसलिए ली कि फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल से आके कोलाइड करना है। तो आफ्टर कोलिजन होगा क्या, v1 - v2 की इक्वल है, v1 - v2 कितनी है 10, तो पहले की वेलोसिटी 10 m/s कर दें। v2 - किसके इक्वल है, v1 की इक्वल है, v1 कितना है 12 m/s। तो ज़रा गौर कर लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर 12 m/s वाली बॉल 10 m/s वाली बॉल से टकराती है और उनके मासेस भी इक्वल हों, तो आफ्टर कोलिजन 12 वाली 10 m/s से चलने लगती है और 10 वाली 12 m/s से मूव करने लगती है, यानी इन्होंने अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लिए। अब आप ज़रा अपने टेक्स्ट में देखें ना तो आप लोगों को ये रिजल्ट लिखे हुए मिल जाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को सजेस्टेड बात यही है कि आप लोग इन केसेस को ड्राइव करें।
यानी डायरेक्ट रिजल्ट ना लिखें, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पड़ता है। ड्राइव करने से आप लोगों को किस चीज़ की समझ भी आ जाएगी, और याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा ये रिजल्ट कैसे आते हैं। बहरहाल बच्चों, बेहतर बात यही होती है कि इनको सॉल्व कर लिया जाए। अब हम सेकंड केस की तरफ आएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम वैसे ही। सेकंड केस में भी जाहिर है कि पहले तो आपको हेडिंग जो है, केस कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए। वो देते हैं अक्सर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये केस कंडीशन आप लोगों को दे दी जाएगी। तो केस कंडीशन पहले हम देख लेते हैं और फिर इस केस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ एम वन इज इक्वल टू एम टू है और वी टू जीरो है। एम वन इज इक्वल टू एम टू, ये तो वही बात है जो पहले केस में थी। अगर एम वन एम टू की इक्वल है, दोनों मासेज इक्वल हैं, तो एम ही लिखेंगे, एम वन एम टू की जगह एम लिख लेंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा बार ये है कि वी टू जीरो है। बच्चों वी टू के जीरो होने से ये होगा कि ये इक्वेशन हमें पूरी पूरी नहीं लगाना पड़ेगी। ये जो वी वन डैश की इक्वेशन है, वी टू डैश की इक्वेशन है, वो पूरी नहीं लिखनी सेकंड केस में, क्योंकि वी टू जीरो होने की वजह से ना, जैसे वी टू जीरो होगा तो ये इक्वेशन का ये सेकंड पार्ट सारा खत्म हो जाना है। वी टू जीरो होगा ना, वो इनसे मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर देगा। यहाँ भी वी टू जीरो होगा तो इसका भी ये सेकंड पार्ट सारा खत्म हो जाना है। वी टू इनसे मल्टीप्लाई होगा जीरो जो है, तो इसको खत्म कर दे। तो वी वन डैश का भी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट और वी टू डैश की अभी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट लगाएं, सेकंड पार्ट अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस केस की कंडीशन ये है कि वी टू जो है ना हमारे पास वो जीरो है। अब ये देखें कि मैंने वी वन डैश की इक्वेशन जो लिखी है, वी टू डैश की इक्वेशन जो लिखी है, इनके सेकंड पार्ट खत्म कर दिए। यानी वी वन डैश एम वन माइनस एम टू एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन, एम वन माइनस एम टू एम वन प्लस एम टू वी वन, ये सेकंड पार्ट मैंने नहीं लिखा वी टू के जीरो होने की वजह से। और यहाँ भी टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू है ना, टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू, इसका भी सेकंड पार्ट वी टू के जीरो होने की वजह से मैंने खत्म कर दिए। बहरहाल अब देखते हैं कि अगर दोनों बॉल्स की मासेज इक्वल हो, एम वन एम टू की इक्वल हो, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में जाके कोलाइड करेगी, सेकंड बॉल की वेलोसिटी वी टू तो जीरो है, तो देखते हैं आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी वी वन डैश और सेकंड बॉल की वेलोसिटी वी टू डैश के साथ क्या होने वाला है। बहरहाल अब फार्मूले जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, वी टू के जीरो होने की वजह से सेकंड पार्ट तो उनके खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है कि एम वन एम टू की जगह हम लिखते जाएं। तो एम माइनस एम एम प्लस एम इंटू वी वन, ये देखें एम माइनस एम एम प्लस एम इंटू वी वन, लेकिन एम माइनस एम के जीरो होने की वजह से ये सारा ऊपर वाला फैक्टर जो जीरो हो जाएगा, तो जीरो और समथिंग भी जीरो मल्टीप्लाई वी वन भी जीरो, ये तो सारा ही जीरो हो गया, वी वन डैश जीरो आ गई। जरा वी टू डैश को भी देख लें, यहाँ भी एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम है ना, तो जहाँ भी एम आपको नजर आए उसको एम वन एम टू नजर आए उसको एम करते जाएं, टू एम एम प्लस एम, टू एम ओवर एम प्लस एम इंटू वी वन, ये 2m है, ओवर में भी 2m होगा, 2m से 2m कैंसिल होगा, v2 टू डैश वी वन की इक्वल आ गया। अब जरा इन रिजल्ट्स को भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट बॉल 12 मीटर पर सेकंड से सेकंड बॉल में जाके टकरा जाती है, कोलाइड करती है उसके साथ, जिसकी वेलोसिटी जीरो है, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आफ्टर कोलिजन v1 डैश जीरो हो गया ना, फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने जो सॉल्व किया है, तो v1 डैश तो जीरो हो गया। तो वी टू डैश कितना हुआ, वी वन, वी टू डैश वी वन है, तो वी वन कितना हमने लेट किया हुआ, 12 मीटर पर सेकंड। यानी अगर एक 12 मीटर पर सेकंड से एक बॉल दूसरी बॉल में जाके टकराती है जिसकी वेलोसिटी जीरो है और इनके मासेस भी इक्वल हों, तो जैसे ही टकराएगी ना, फर्स्ट बॉल जो 12 मीटर पर सेकंड से जा रही वो रुक जाएगी, और सेकंड बॉल जो है ना वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी यानी 12 मीटर पर सेकंड से जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। बच्चों इसमें ना आपकी बुक में पेज नंबर 62 के ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है कि बिलियर्ड या स्नूकर में ऐसा ही होता है, अगर दोनों बॉल की मासेज इक्वल हो, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में जाके टकराए, आइडेंटिकल बॉल हो, तो जैसे फर्स्ट बॉल सेकंड में टकराएगी, फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट और फर्स्ट बॉल जो है ना वो रुक जाएगी, वो तो रुक जाएगी, लेकिन होना ये चाहिए आइडेंटिकल बॉल होनी चाहिए, सेम मैसेज की होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हुई, सेम हुई, तो जब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में जाके टकराएगी जिन उनकी मासेज इक्वल होंगी, तो फर्स्ट बॉल कम टू रेस्ट, पहली बॉल तो रुक जाएगी एंड सेकंड मूव्स ऑफ, और दूसरी जो है ना वो फिर मूव करना शुरू करती है उस वेलोसिटी से जिससे पहली मूव कर रही थी। वैसे यहाँ भी वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई हैं, आफ्टर कोलिजन जो है ना फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई और सेकंड बॉल फर्स्ट की वेलोसिटी से चलना शुरू होगी, तो यहाँ भी वेलोसिटीज को इन्होंने इंटरचेंज कर लिया। बच्चों अब हम करते हैं थर्ड केस, और थर्ड केस इस तरह से है, इसकी केस कंडीशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद मैसिव बॉडी एट रेस्ट, कि जब लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराएगी जो कि रेस्ट भी है, यानी फर्स्ट बॉल लाइट है, सेकंड बॉल जो है ना ये मैसिव बॉल है, तो जब लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराई जो कि रेस्ट पर है, मैसिव बॉडी रेस्ट पे है ना, सेकंड बॉल रेस्ट पे, तो वी टू तो जीरो करेंगे, तो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा तो फिर नहीं आएगा,
दूसरा पार्ट फिर नहीं आएगा, जैसा कि मैंने सेकंड केस में भी किया कि वी टू जीरो होने की वजह से इन इक्वेशन के सेकंड पार्ट खत्म कर दिए थे। तो यहाँ भी चूंकि वी टू जीरो है, मैसिव बॉडी सेकंड बॉल रेस्ट पर है, तो सेकंड बॉल के रेस्ट पर होने की वजह से वी टू के जीरो होने की वजह से यहाँ भी इक्वेशन का सेकंड पार्ट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि लाइट बॉडी ने मैसिव बॉडी से टकराना है, यानी पहली जो बॉडी है ना ये बहुत ही छोटी है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, यानी M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, M2 M1 से बहुत ग्रेटर है या M1 M2 से बहुत स्मॉलर है। तो एज M1 एज कम्पेयर टू M1 M2, M1 M2 के लिहाज से चूंकि बहुत स्मॉलर है तो M1 को नियरली इक्वल टू जीरो करेंगे, M1 को नियरली इक्वल टू जीरो कर देंगे। सो बच्चों वही फार्मूले जो हमारे पास हैं वही हम अप्लाई करेंगे, V1 डैश M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 V1 है। सेकंड पार्ट तो आपको पहले बताया कि V2 के जीरो होने की वजह से खत्म हो चुका है, करना सिर्फ इतना है अब M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M नहीं बुट करना, अब हमें M1 जो है ना उसकी जगह जीरो बुट करना है, जहां भी आपको M1 नजर आए उसको जीरो कर दे, क्योंकि M1 बहुत स्मॉलर है एज कम्पेयर टू M2, तो M1 को नियरली इक्वल टू जीरो करेंगे। तो अब देखते हैं कि जब लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराती है तो क्या होता है, इतना करना है कि M1 को जीरो बुट करना है, इक्वल नहीं अब करना है। तो जहां भी M1 नजर आए देखो मैं जीरो करूंगा, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 V1 है ना, M1 जीरो हो गया माइनस M2 वैसे ही आ गया, M1 जीरो हो जाएगा प्लस M2 वैसे ही आ जाएगा इंटू V1, तो जीरो माइनस M2 तो माइनस M2 होगा, जीरो प्लस M2 तो प्लस M2 होगा, तो M2 तो M2 से कैंसिल होगा तो माइनस V1 आ जाएगा, V1 डैश किसके इक्वल हो गया माइनस V1 के। अब जरा V2 डैश को भी देख लें, 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2 है ना, और साथ दूसरा फैक्टर जो दूसरा पार्ट था वो तो आपको बताया हुआ, वो तो सारा दूसरा पार्ट तो सारा खत्म हो चुका है V2 के जीरो होने की वजह से। इसमें भी सिर्फ यही करना है कि M1 जीरो पुट करना है, क्योंकि M1 बहुत छोटा है M2 से, लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकरा रही है, तो M1 की मैस बहुत कम है, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं, तो M1 ना आपको नजर आए उसको जीरो कर दो, तो 2M1 की जगह जीरो पुट करेंगे इंटू V1 वैसे आ गया, M1 की जगह जीरो पुट करेंगे प्लस M2, ये तो जब जीरो है ना जीरो इन सबसे मल्टीप्लाई कर जीरो करेगा, जीरो और समथिंग भी जीरो होगा, तो V2 डैश कितना होगा जीरो। यानी पता ये चला कि अगर लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराती है ना एट रेस्ट, तो आफ्टर कोलिजन V1 डैश V1 की इक्वल ही है, यानी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी और बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी जब ये टकराएगी ना ये अपनी वेलोसिटी से बाउंस बैक कर जाएगी, उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी, और V2 जो पहले जीरो है ना V2 डैश भी जीरो है, यानी सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी जीरो है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी जीरो ही है, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों ऐसा ही होता है जब आप बॉल को टेनिस बॉल वगैरह को दीवार के अंदर मारते हैं, तो टेनिस अब ये लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराती है जो रेस्ट पर है, लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराएगी जो रेस्ट पर है, तो लाइट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। लेकिन V2 जीरो है ना, यानी मैसिव बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है, तो V2 डैश भी जीरो ही रहता है, आफ्टर कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आमतौर पर भी ऐसा ही होता है कि जब लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराती है तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, लेकिन मैसिव बॉडी जो होती है वो बिफोर कोलिजन भी रेस्ट पर रहती है और आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पर रहती है। तो बच्चों ये उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको टेनिस बॉल से बताया ये बात उन्होंने स्क्वाश बॉल से बताई हुई है। टेनिस बॉल मैंने इसलिए कहा कि ये आपकी कॉमन रूटीन एग्जांपल है, बारह स्क्वाश बॉल भी अगर आप हिट करेंगे वो भी टकरा कर वापस आएगी, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी इक्वल होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी, लेकिन जिस वॉल से वो टकराएगी वो बिफोर कोलिजन भी रेस्ट पे होगी आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पे ही रहेगी। बच्चों अब हम इसके फाइनली लास्ट जो है फोर्थ केस की तरफ आते हैं, और उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, कंडीशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, जब बहुत भारी बॉडी जो है वो किसी हल्की सी बॉडी से टकराने जा रही है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, जब कोई मैसिव बॉडी लाइट स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करे, लाइट स्टेशनरी बॉडी, मैसिव बॉडी ने लाइट स्टेशनरी बॉडी से टकराना है, यानी सेकेंड बॉडी जो है ना सेकेंड बॉल जो है उसकी वेलोसिटी हमने जीरो करनी, V2 अगेन जीरो है, तो इन इक्वेशन का सेकेंड पार्ट तो फिर नहीं आएगा। तो वैसे एक जनरल हमें इन तमाम केसेस यह बात पता चली है कि सिर्फ फर्स्ट केस था जिसमें हमने पूरी इक्वेशन लगाई है, बाकी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ केस में ये इक्वेशन पूरी अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि सेकेंड केस में थर्ड केस में फोर्थ केस में सेकेंड बॉल जो थी ना उसकी वेलोसिटी सेकेंड बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी हमने जीरो रखी, सेकेंड केस में भी थर्ड में भी फोर्थ में भी
सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो रखी, वी टू जीरो रखा है, तो वी टू के जीरो होने की वजह से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ केस में इक्वेशन के सेकेंड पार्ट नहीं लिखे गए। तो सिर्फ फर्स्ट केस में पूरी इक्वेशन लगाइएगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ केस में आप पूरी इक्वेशन ना लगाइएगा, सिर्फ फर्स्ट केस में पूरी इक्वेशन लगाएं। तो बहरहाल मैं बात यह कह रहा था कि अब हमारे पास मैसिव बॉडी ने कोलाइड करना है लाइट स्टेशनरी बॉडी में, यानी ये बॉडी हल्की भी है लेकिन रेस्ट पे भी है, तो V2 तो जीरो होने की वजह से सेकंड पार्ट तो खत्म कर देंगे। लेकिन इस दफा चूंकि M1 M2 से बहुत ग्रेटर है, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो इसका मतलब हुआ कि अब M1 बड़ा है, M2 छोटा है ना, M2 को नियरली इक्वल टू जीरो कर ले। अब इन इक्वेशन के अंदर आपने M2 को निग्लेक्ट करना है, उसको नियरली इक्वल टू जीरो करना है। तो देखें जरा क्या बनता है कि जब मैसिव बॉडी लाइट स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करती है, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी और सेकंड बॉल की वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वी वन डैश इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन है। जैसे मैंने कहा ना कि एम टू जीरो करना है, एम टू ना नजर आए क्योंकि एम टू बहुत छोटा है इज कम्पेयर टू एम वन, तो एम टू को जीरो कर दें, तो एम वन माइनस जीरो, एम वन प्लस जीरो इंटू वी वन, एम वन माइनस जीरो, एम वन प्लस जीरो इंटू वी वन, एम वन माइनस जीरो एम वन ही आ जाएगा, एम वन प्लस जीरो भी एम वन आएगा, ये कैंसिल होगा, तो वी वन डैश इक्वल टू वी वन हो गया, वी वन डैश नियरली इक्वल टू वी वन हो गया। अब जरा सेकंड बॉल की वेलोसिटी भी देख लें, V2 डैश लाइट बॉडी के साथ क्या था, V2 डैश 2m1 V1 ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास है। सेकंड पार्ट तो वैसे खत्म कर चुके हैं V2 के जीरो होने की वजह से, इसमें भी आपने यही करना है कि m2 को जीरो पुट करना है, तो 2m1 V1 वैसे आ गया, m1 प्लस m2 को जीरो पुट कर दें, तो 2m1 V1 m1 प्लस जीरो m1 ही आ जाएगा, m1 से m1 कैंसिल होगा, 2m1 V1 ओवर m1 है ना, m1 से m1 कैंसिल हुआ, तो 2v1 हो गया, नियरली इक्वल टू 2v1। पता ये चला कि अगर मैसिव बॉडी लाइट बॉडी से टकराए ना, तो आफ्टर कलेजन मैसिव बॉडी की वेलोसिटी और बिफोर कलेजन मैसिव बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में नहीं बदलेगी। मतलब ये जिस वेलोसिटी से उसे टकराएगी ना आफ्टर कलेजन, ये उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। लेट्स से कि अगर इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है मैसिव बॉडी की, ये टकराएगी लाइट बॉडी से, तो आफ्टर कलेजन वी वन डैश भी वी वन की इक्वल होगा, मैसिव बॉडी के आफ्टर कलेजन वेलोसिटी बिफोर कलेजन वेलोसिटी की इक्वल होगी। लेकिन बच्चों ये नियरली इक्वल क्यों लगाया, वो इसी वजह से लगाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन कन्वर्ट होती है लेकिन उसकी टोटल अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखिए टोटल अमाउंट जब ये टकराएगी, कुछ एनर्जी तो उसको ट्रांसफर करेगी, क्योंकि अभी हमने मैंने सेकंड बॉल की आपको वेलोसिटी बुलानी है, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट से दुगना हो जाएगी, तो उसको फिर वो वेलोसिटी कहाँ से मिली, उसको वो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो पहले तो रेस्ट पर थी, तो बाद में उसको वो वेलोसिटी वो एनर्जी कहाँ से मिली है, वो ज़ाहिर फर्स्ट ने दी है, तो लिहाजा फर्स्ट की कुछ एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना, कुछ वेलोसिटी तो उसमें कम होनी चाहिए, इसलिए हमने नियरली इक्वल लगाया। यानी ये फार्मूले में बता रहे हैं कि इक्वल है, लेकिन हम नियरली इक्वल इसलिए कर रहे हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो वायलेट ना हो। तो बहरहाल वी वन डैश वी वन के इक्वल ही रहा, नियरली इक्वल रहा, यानी जो मैसिव बॉडी है उसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। लेकिन जो लाइट बॉडी थी ना उसके साथ क्या हुआ, उसकी तो वेलोसिटी पहले जीरो थी, बाद में क्या बना, V2 डैश 2V1 की इक्वल हो गया, 2V1 से बना जी उससे दुगना वेलोसिटी से बाउंस ऑफ करेगी, आगे की तरफ जाएगी, दुगना वेलोसिटी यानी वो 12 मीटर पर सेकंड से टकराती ना, तो ये 24 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाना है इसने, तो नियरली इक्वल इसलिए लगाया ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये उसने उसको वेलोसिटी ट्रांसफर किया, तो तकरीबन दुगना वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जाएगी 2V1, यानी जो लाइट बॉडी जो आगे रेस्ट पे थी वो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के दुगना से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, तकरीबन दुगना से, जो इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी उसे दुगना वेलोसिटी से आगे बाउंस ऑफ करेगी। तो तकरीबन इसलिए क्योंकि रफली ऐसा हो सकता है, और ऐसा बच्चों आमतौर पर देखने भी आता है कि जब बहुत ही बड़ी कोई गाड़ी जिस तरह से बस या ट्रक वगैरह अगर किसी बाइक वगैरह से टकरा जाए, तो बस या ट्रक वगैरह की वेलोसिटी में नॉर्मली कोई चेंज नहीं आता, उनकी मोमेंटम उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनके आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन जिससे वो टकराते हैं ना लाइट बॉडी जिस तरह साइकिल या मोटरसाइकिल, वो दुगना वेलोसिटी से आगे की तरफ बाउंस ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉडी, कि जो सेकंड लाइट बॉडी होती है ना जिसे वो आगे टकराती है उसकी जो वेलोसिटी होती है ना आफ्टर कोलिजन ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉडी, वो इंसिडेंट बॉडी से तकरीबन दुगना वेलोसिटी से आगे बाउंस ऑफ कर जाती है। बच्चों जैसे मैंने पहले कहा कि इन केसेस को ही चूँकि अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको ड्राइव ज़रूर करें, जैसे आपके बुक में ये लिखे गए हैं वैसे आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी ला सकते हैं इनको, लेकिन इनको ड्राइव करेंगे तो आपको ये बुक में जो रिजल्ट्स इनके लिखे हैं उनकी आपको बेहतर तौर पर समझ आ सकेगी।
कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।